नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानको स्वागत करछि वर्तमान रो ए इंटरेस्टिंग वीडियो रे। भारतीय रेल विभाग इंडियन रेलवे तरफ रु आपण मान पाए बहुत बढ़िया निजुक्ति सुजोग टिए आसी जाइछि। फ्रेंड्स, वर्तमान रो ए वीडियो रे मु आपण को दुईटी जॉब रो टोटल अपडेट प्रोवाइड करबि, यानी कि एथिरे दुईटी भिन्न भिन्न जॉब रहिछि भारतीय रेल विभाग तरफ रु। से दुईटी जॉब रे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 रु अधिक पोस्ट रो देखिबा को मिलुछि, जोति पई ओडिसा रो प्रत्येक जिल्ला रो भाई ओ भौणी माने अप्लाई करि परिबे। तेबे एथिरे आवेदन करिबा कोले आपण मानकर कोन सब इलिजिबिलिटी कंडीशन आवश्यक करुछि, कोन कोन क्राइटेरिया रहिछि, केते दरमा मिलुछि, किपरि एही फॉर्म को अप्लाई करिबे, तेबे संपूर्ण सूचना ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानको प्रोवाइड करिबे। आपण मानको निवेदन, ए वीडियो टिकु प्रथमे शेष जाय वाच करंतु, जहाद्वारा कि आपण माने संपूर्ण अपडेट टिकु डिटेल्स रे जानी परिबे एवं एही फॉर्म को अति इजीली आवेदन करि परिबे। तबे चालंतु समय विलंब न करिकि एही जॉब रो संपूर्ण अपडेट टिकु संपूर्ण रूपे जानी रखिबा। तबे देखुन फ्रेंड्स, मु आपण मानको डिटेल्स रे कहि रखुछि, प्रथमे जे पोस्ट रहिछि सेतिरे आपण मानको 772 पोस्टर रिक्रुटमेंट देखा मिली, जो आप्लाय करेंगे। तबे डिटेल्स अपडेट कह गुक्ति प्रथम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे तरफ रोस्ट रही कौन ना ट्रेड आप्रेंटिस, एटि आपण ट्रेड आप्रेंटिस पोस्ट में निजुक्ति मिली। टोटल नंबर अफ वैकेंसी रही 772 पोस्ट रे। एटि आपण माने जदि फॉर्म को अप्लाई करने को चाहते ताले 8 जून 2023 रु एही फॉर्म टी ऑनलाइन रे अवेलेबल होई सरिची। आपण माने 7 जुलाई 2023 मध्य रे एही फॉर्म टी को आवेदन करि परिबे। तेबे आज अपेंटाइज रूल अनुसार एथिरे आपण मान को बहुत बढ़िया सैलरी में मध्य मिलुची। मेरिट बेसिक रे आपण मान को सिलेक्शन करा जिवो, एथिरे जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहिची ता आपण मान को मेरिट बेसिक रे करा जिवो। एथिरे कोनोसी एग्जाम रहिबो नाही फ्रेंड्स, आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसीजर आईटीआई 10th बेसिक रे आपण मानको एठी करा जिवो। अप्लाई मोड, आपण माने एही फॉर्म को ऑनलाइन प्रोसेस रे आवेदन करि परिबे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहिबो, तेणु करी ओडिसा प्रत्येक जिल्लार पिला माने एही फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। एवं नेक्स्ट जे जॉब रो अपडेट रहिछि जहाकि मु आपण मानको कहि रखिछि, एठी आपण मानको टोटल ऑफ रे जो वैकेंसी रहिछि 782 पोस्ट, 782 पोस्ट पे आपण माने ए फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। रिक्रुटमेंट रो टोटल अपडेट रे मु आपण मानको कहि रखुछि, देखंतु देखंतु फ्रेंड्स, एठी इंडियन रेलवे तरफ रु इंटरगल कोच फैक्ट्री आईसीएफ रे आपण मानको नियुक्ति मिलुछि। एठी आईटीआई अप्रेंटिस पोस्ट रहिछि, नॉन आईटीआई अप्रेंटिस पोस्ट मध्य रहिछि। टोटल वैकेंसी केते रहिछि 782 पोस्ट। आईटीआई अप्रेंटिस पिला मानन पई 530 पोस्ट वैकेंसी देखिबा को मिलुछि एवं नॉन आईटीआई पिला मानन पई 252 पोस्ट रो वैकेंसी देखिबा को मिलुछि। एठी आपण मानकर पोस्ट रो नेम गुड़िक रहिछि, माने केउ केउ पोस्ट रे आपण मानकर वैकेंसी आसीछि ताहा मध्ये मु एठी मेंशन करि नैछि। आपण मानकर एठी कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मेकानिस्ट, पेंटर, वेल्डर, एमएलटी, रेडियोलॉजी, एमएलटी, पैथोलॉजी रे वैकेंसी देखिबा को मिलुछि। फ्रेंड्स, यार मध्ये ऑनलाइन प्रोसेस आरंभ होइ सारिछि। 30 जून 2023 पूर्वरु आपण माने ए फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। तबे एठी आपण मानकर सैलरी मु मेंशन करछि, तेणु करी आपण मानकु कहि रखुछि, जदे फ्रेशर पिला या को अप्लाई करुछंती, 10th पास करथिया पिला अप्लाई करुछंती, ताले 6000 टका सैलरी आपण मानकु एठी मिलुछि। फ्रेशर पिला जो माने 12th पास करिसंती से मानकु 7000 टका पर मंथ मिलुछि एवं जो माने आईटीआई कंप्लीट करिसंती से मानकु मध्य 7000 टका पर मंथ मिलुछि जदि आपण माने एथिरे नियुक्ति पाउछंती। फ्रेंड्स, एही फॉर्म को अप्लाई करिया कोले इलिजिबिलिटी कंडीशन रे जदे फ्रेशर पिला अप्लाई करुछंती, 10th पास प्लस 2 पास करथिले आपण माने फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। आईटीआई पिलांग पई 10th पास सहित एठी आईटीआई मैटर करछि, आईटीआई जदि रिलेवेंट रेट रे रहिछि 10th पास सहित ताहले निश्चिंत रूपे फॉर्म को अप्लाई करंतु। एठी एज क्राइटेरिया 15 वर्ष रु 24 वर्ष प्रार्थी माने अप्लाई करि परिबे। एठी एही फॉर्म टी स्पेशली एही फॉर्म टी पई आपण माने यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलोंग्स करूथिले 100 टंका एप्लीकेशन फीस आवश्यक रहुची आपण मानन पई।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଫିମେଲ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ରହିବ ମେରିଟ୍ ବେସିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଇଟିଆଇରେ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମେରିଟ୍ ବେସିକ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲା ବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍କୁ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମର ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜବ୍ ସିକର ହୋଇଥିବେ, ଜବ୍ଟିଏ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିଏ। ଦୁଇଟି ଜବ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଫର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ସେତିକି। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।